तो आप पास दुनिया में और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो तुमने सेटल किया भोसड़ी के अपने आप को। और हम सब सेटल करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा सेटल मत करो, मैं ये नहीं कह रहा शादी बच्चा चूज मत करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भोसड़ी की हर चीज लाइफ में चॉइस होनी चाहिए। तो आप पास इतने बड़े काबिल इंसान मानो कि 10 सामने ऑफर हो, जॉब ऑफर नहीं बात कर रहा हूं, लाइफ जीने के 10 ऑफर हो भोसड़ी के, उसमें से बेस्ट चीज अपनी चूज करोगे, हाँ मेरा अब ये मन है। और लौंडे क्या हालचाल, मेरे पास ये प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं इस पर आज बात करने वाला हूँ। डू यू फील इन्फीरियर, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे हम डील करें? ठीक है यार, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए तो मैं पहले 3-4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे डायरेक्टली ये है, अपने पास्ट में अभी तक जितनी भी जिंदगी जी है तुमने दोस्त, ठीक है, मैं इस माइक को लाने वाला हूँ एक सेकंड के लिए, अगर कोई आवाज़ हुई तो समझ जाना, अपनी ज़िंदगी जितनी भी तुमने अभी तक जी है दोस्त, उसमें मुझे तुम खुद सोचो कितने चैलेंजेस थे, पर्सनल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंज, कैसा भी चैलेंज या फिजिकल चैलेंज, जो तुमने बीट किया है। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि मेरी लाइफ में मैंने कितने चैलेंजेस बीट किए हैं आज तक। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर अगर हम बात करें, क्योंकि तुम फील कर रहे हो इन्फीरियर लोगों से, तो क्लियरली तुम्हें अपने अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास की कमी है, तुम्हें लगता है मैं कमज़ोर हूँ या मैं नीचे हूँ या कुछ ना कुछ है जो कि तुम्हें, देखो कोई चीज़ ऐसे कोई फील नहीं करा सकता। अगर मैं कहूँगा तुम भाई तुम उल्लू हो या कौवा हो, तो तुम मान नहीं लोगे अगर तुम अपने आप को किसी ना किसी तरह से उसमें कोई ना कोई सच देखते हो। जिंदगी में याद रख, एक बात याद रखना, बात वही बुरी लगती है जिसमें थोड़ी सी सच्चाई हो। तुम भी अपने आप को उसमें देखते हो, चिड़ोगे तुम वहीं, अफेक्ट वही चीज़ होगी, जो चीज़ एकदम जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, विच हैज़ नो बेसिस, ठीक है, इन ट्रूथ या फैक्ट्स, एकदम बेफिजूल की बात है, वो तुम्हें लगेगा क्या चोरी कर रहा है, हाँ ठीक है ये बकवास करता रहता, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इन्फीरियोरिटी या इन्फीरियर फील करना, वो तब होता है जब तुम काइंड ऑफ मानते हो उस चीज़ को, तो तुम्हारे दिमाग में खुद तुम फील कर रहे हो इन्फीरियर, तो वो कंपैरिजन से हो सकता है, जहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑब्वियस कंपैरिजन है क्योंकि तुम देख रहे हो कि वो तुमसे ऊपर हैं, पहला वो, दूसरा नॉलेज पे हो सकता है, हो सकता है तुम चाहते हो अपने आप को किसी तरह से अपनी प्रोजेक्टेड पर्सनैलिटी जो भी है तुम्हारे दिमाग में वो तुम्हें दूसरे लोगों में दिखती है और तुम सोचते हो यार मैं इनसे नीचे हूँ, हो सकता है जस्ट जनरली तुम दुनिया से कमज़ोर फील करते हो, क्योंकि तुम इंटरनेट पर बैठे हो, तुम देख रहे हो यार ये इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या कितने अच्छे थॉट शेयर करता है, कोई ये है कोई वो है, सब कुछ ना कुछ बेटर कर रहा है। तुम मॉल जाते हो, तुम कह रहे हो यार मेरी एक परसीव लाइफ ऐसी नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे हो एक लड़का है लड़की टला रहा है, सुंदर सी गर्लफ्रेंड है, उसके कपड़े उसने अच्छे पहन रखे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे हम इन्फीरियर फील करते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये चीज़ तुम्हारे अंदर है, रैदर देन आउटवर्डली अगर तुम देखो उसको कि यार ये समाज में इसकी वजह से मैं इन्फीरियर फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे चांस नहीं मिला, मेरी कोई बहुत हॉट गर्लफ्रेंड नहीं, या फिर मैं हॉट गर्लफ्रेंड बनाने लायक नहीं हूँ, या फिर मेरे अंदर कोई कमी है। घूम फिर के सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर से आ रही हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो तुम अपने अंदर देखते हो, कुछ कमियाँ जो ये फॉर्म कर रही हैं परसेप्शन। तो मेरा क्वेश्चन, इसका मतलब ये आता है कि तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में कितने चैलेंजेस हैं जो तुमने बीट किए हैं, फिजिकल एडवर्सिटीज़, मेंटल एडवर्सिटीज़, इमोशनल एडवर्सिटीज़, क्या क्या चैलेंजेस तुमने फोड़ के तोड़ के हाथ में रखती है। क्योंकि देखो दुनिया में एक चीज़ समझ लो, तुम पैदा तो हुए हो अर्थ में, ठीक है, अब हम वक्त वक्त के हिसाब से हम जज करते हैं अपने आप को, राइट। आज की जनरेशन के पास जो अवेलेबिलिटी है, जो कंफर्ट की अवेलेबिलिटी है, वो आई वुड इमेजिन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अप थी। तो आप अगर उसको फैक्टर इन कर रहे हो, तो आप रियलाइज़ करोगे बहुत भारी मात्रा में बहुत सारी ज़्यादा पॉपुलेशन को ये फील होगा नेचुरल है कि हम इन्फीरियर हैं, क्योंकि हमने अपनी नज़रों में कभी अपने आपको प्रूव ही नहीं किया ना यार, हर चीज़ तो हमें मिल गई, साला बैठे एंटरटेनमेंट चाहिए तो एक क्लिक पे मिल रहा है, मूड ऑफ करना है मूड सही करना है सट से एक क्लिक पे कर दिया, स्ट्रेस्ड हैं बैठ गए 6 घंटा हमने बैठ के यूट्यूब पे बैठा दिया, तुम्हें गर्लफ्रेंड के बारे में ये सोचना वो सोचना, तुम इंस्टाग्राम पे बैठे तुम लड़कियां देख ली, तुमने कहा वाह वाह वाह, तुम अपनी सारी नीड एक वर्चुअल वे में ईजिली पूरी कर ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा वो नीड 100% फुलफिल हो रही है, बट उसका 20-25-30% तो तुम फुलफिल कर ले रहे हो एक वर्चुअल तरीके से, इसलिए तुम्हारी आदतें हैं ही नहीं घर से बाहर निकलने की, चैलेंजेस लेने की, चैलेंजेस आते तुम्हारी लाइफ में फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ की तुम्हें एक आदत बन गई, चीज़ आसानी से मिल जाए,
तुम्हें कुर्सी से उठ के अगर वहां तक बैठ के काम करना हो ना, उसमें तुम्हारी फट रही है, इवन तो तुम्हें पता है वो चैलेंज है पर तुमसे नहीं हो रहा। इन्फीरियोरिटी क्या है? तुम्हारी एक परसीव रियलिटी, एक परसीव पर्सनैलिटी जो तुम देखते हो ये है और मैं यहां हूं। अगर मैं यहां होता तो मैं आज इन्फीरियर फील नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मेरी नजर में वो पर्सनैलिटी है जो कि सुपीरियर है, जो कि स्टैंड करेगी सोसाइटी में जहां पे भी मैं जाऊं। मैं यहां हूं तो मैं ऑब्वियसली उसकी नजर में, अपनी नजरों में खुद से गिर जा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो समाज की नजर में मैं नीचे हूं। तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरों की नजरों से अपने अपने आप पे, अपनी इनसिक्योरिटीज खुद की, ऐसे समझो। तो मेरा पहला, इसका बहुत सिंपल आंसर है दोस्त, लेकिन बहुत टफ आंसर भी है, क्योंकि तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें एक्शंस में कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत छोटा सा बता रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करो। अनएक्सपेक्टेड से मेरा मतलब है कि क्या चीज़ें तुम करना चाहते हो। पहले तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा गोल है उस पर अपना दिमाग लगाओ, वो तो मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ यार, और हर कोई ये कहेगा, क्योंकि तुम्हारे जो भी स्किल्स हैं ना जिनको तुम रख रहे हो, जो भी गोल है, ये क्या करेंगे, ये सब एक चैलेंजेस हैं। जब हम इनको बीट करते हो ना तो प्राइड आती है, प्राइड तुम्हारे नजर में सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है। तुम फील करते हो हाँ मैंने कुछ उखाड़ा है, मैंने ये कर लिया, तुम अच्छा फील करते हो। तुम किसी से बात करना हो, तुम एक अचीवमेंट यहां जेब में रख के बैठे हो, तुम बात करोगे किसी से भी, बात करने में तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन तुमने अगर एग्जाम टॉप किया है उस दिन तुम हर एक इंसान से दुनिया की बात कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास यहां पे अचीवमेंट रखा है। बाद में तुम कॉन्वर्सेशन बताओगे हाँ मैंने किया, वो कॉम्प्लीमेंट देंगे हाँ आज मैं प्रिपेयर्ड हूं। बट वही वो दिन उठाओ जिस दिन तुम फेल हुए हो, वही वो दिन उठाओ जिस दिन तुम्हारा तुमने कुछ नहीं किया, बेकार चल रहा है सब कुछ, तुम्हें लोगों से मिलने में शर्म आती, तुम लोगों से भागते हो, ये डिफरेंस है। क्योंकि उस दिन तुम इन्फीरियर फील कर रहे हो और जिस दिन तुम्हारा तुमने कुछ किया है तुम चौड़ा फील कर रहे हो यार एकदम, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। घूम फिर के क्या था डिफरेंस, एक्शन में तुमने कुछ अचीव किया और यहां पर तुमने टाइम वेस्ट किया। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होल फकिंग आइडिया यही है, आप कितने स्किल्स बिल्ड कर रहे हो अपने आप को, अपनी नजरों में कितनी इज्जत दे पाते हो, इज्जत अर्न करी जाती है दोस्त। आप हवा में बोलते रहो यार मैं तो बहुत प्यार करता हूं अपने आप से, मेरे को बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है अपने आप की, मैं बहुत बड़ा मर्द हूं यार, हवा है वो सब। एक्शंस एक दिन आएंगे, घुमा के चांटा मारेंगे, तुम्हारे सारे सब कुछ जितने भी इल्यूजन्स फॉर्म करें सब शीशे की तरह टूट के बिखर जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहने वाला किसी बकवास को जो तुम अपने आप से दिन भर करते रहोगे, मैं तो बहुत चौड़ा हूं, मैं तो वो मर्द हूं, मेरे चार दोस्त हैं, हमारा ग्रुप है, हम सब बहुत कूल हैं, सब घुस जाएगा। रियलिटी के बेसिस पे, कीपिंग रियलिटी अलाइंड एंड कीपिंग रियलिटी इन चेक एंड कीपिंग रियलिटी इन कंसिडरेशन विद योर थॉट्स, तब तुम अचीवमेंट बिल्ड करते हो, तब तुम स्किल्स डेवलप करते हो, क्योंकि वो रियलिटी के हिसाब से सब पे अप्लाई करते हैं। अगर तुम्हें लेट्स से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है तो तुम और जो 100 लोग जो वर्क करना चाहते हैं सबको काम सेम करना पड़ेगा, स्किल है वो। तुमने दिमाग में हवा में नहीं कह सकते मैं चौड़ा हूं या मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे हाँ हाँ नहीं, रियलिटी क्या है, सामने बैठेगा कोई टेस्ट करेगा तुम भाई फट के आदमी आ जाएगी। तो रियलिटी में क्या है, वो चीज क्वांटिफाइबल होती है, इंसान टेस्ट कर सकता है, इंसान देख सकता है। तुम डिसाइड नहीं करते, तुम नहीं बोलोगे कि मैं बहुत चौड़ा हूं, सामने वाला बताएगा कि तुम चौड़े हो कि नहीं हो। तो ये बात है, अपनी आप को एक्शंस में अब थोड़ा सा दो, फोन को साइड में रखो, चाहे कितना भी मैं बकवास कर लूं घूम फिर के, छोटी सी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। क्या है, स्किल्स बिल्ड करने हैं तुम्हें दोस्त। अब क्या स्किल्स है तुम्हें बिल्ड करने, वो तुम्हें पता है, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियो में बोल चुका हूं ऑलरेडी, और वो वीडियो बेसिकली यही था कि अपनी एक पेपर उठाओ, पेन उठाओ, अपनी एक परसीव पर्सनैलिटी लिखो जो कि तुम कहते हो सबसे ऑसम बेस्ट पर्सनैलिटी, और राइट डाउन सारे ट्रेट्स और फिर उन पर वर्क करना स्टार्ट करो। पर तुम वो वीडियो देख के क्या करते हो, भाई बहुत बढ़िया चीज समझी मेरे को, सब समझ आ गया, लेकिन करोगे घंटा कुछ नहीं, क्योंकि चार दिन बाद तुम भोचड़ी के वापस फोन उठाने लग जाओगे, बैठ के यूट्यूब देखने लग जाओगे, अपनी गांडू की तरह वही पुराने रूटीन में आ जाओगे और लूजर रहोगे। एक रीजन है, भोचड़ी की दुनिया में 90-95% लोग भोचड़ी कुछ नहीं कर पाते, चूतिए रहते हैं, फिर बच्चे और शादी करके फिर सोचते हैं हाँ यार ये खुशी है, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं आपके पास $1 बिलियन का एक ऑप्शन था आपके सामने कागज, और आपके पास आया मेरे बच्चे और शादी, और आप चूज करो शादी $1 बिलियन को लात मार के, नहीं दोस्त, तो आपके पास दुनिया में और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो तुमने सेटल किया भोसड़ी के अपने आप को, और हम सब सेटल करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा सेटल मत करो, मैं ये नहीं कह रहा शादी बच्चा चूज मत करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भोसड़ी की हर चीज लाइफ में चॉइस होनी चाहिए। तो आपके पास इतने बड़े काबिल इंसान बनोगे 10 सामने ऑफर हो, जॉब ऑफर नहीं बात कर रहा हूं, लाइफ जीने के 10 ऑफर हो भोसड़ी के, उसमें से बेस्ट चीज अपनी चूज करोगे, हाँ मेरा अब ये मन है, इवन दो बहनचोद मैं 40 लाख कमा सकता हूं, मैं 40 करोड़ कमा सकता हूं, लेकिन मैं अब सेटल डाउन होऊंगा, ये होती है चॉइस। तो वो कहां से आती है,
एक्शन से आती है ना मेरे भाई, उतना काबिल बनने के लिए तुम्हें फिर बैठ के फोड़ना पड़ेगा ना। डेली बैठो बहनचो, जो भी चीज है, क्या वर्क करना है तुम्हें, क्या है इन्फीरियोरिटी अगर कॉम्प्लेक्स होता है, क्या चीजें हैं, क्लियरली तुम विजिबली लिख सकते हो आराम से कि 5 चीजें जिनमें मैं इन्फीरियर फील करता हूं। राइट देम फकिंग डाउन राइट नाउ, लिखो उनको, लिख लोगे तुम्हें सामने मिल जाएगा ये चीजें जिनमें मेरे को वर्क करना है। कोई दुनिया में कोई इतनी अजूबी बात कर ही नहीं रहे हो तुम जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे डील करूं। अरे भोसड़ी के डील करना है उसको, जो इन्फीरियोरिटी जिन चीजों पर फील करते हो, जिनको लगता है तुम कम हो, उन पर वर्क करो। इतना सिंपल आंसर है। नहीं लेकिन भाई कुछ अजूबा आंसर दे दो जिससे क्या ना कुछ काम ना करना पड़े, लेकिन वीडियो देख के सब सॉल्व, मैं अंदर से फील अच्छा करने लग जाऊं, फील गुड मुझे दे दो वीडियो। सारे वीडियो यही होते हैं भोसड़ी के, सारे मोटिवेशन वीडियो में देख रहा हूं आजकल के जितने बड़े बड़े आ गए हैं, फील गुड देते हैं आपको, एक कॉन्सेप्ट दे देंगे बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, उसमें वीडियो क्लिप डालेंगे और बढ़िया बढ़िया लोग ऐसे स्लो मोशन में भयंकर उनके पास वो होता है, सच नहीं बताएंगे तुम्हें मुंह पे, बकचोदी बता के तुम्हारे अपना व्यूज कमा गए, वो चूतिया बन गए, तुम खुलोगे खुश होगे फील होगे, हाँ यार क्या लाइफ कितनी खूबसूरत चीज है यार, वाह लौड़ा है खूबसूरत चीज लाइफ भोसड़ी के, भोसड़ी के जाओ घर के बाहर देखो दिख जाएगा रोड पे, हम इंडिया में रह रहे हैं, तुम जहां पे भी हो जाओ भाई एक मेन रोड पे चले जाओ, लाइफ कितनी खूबसूरत है एक सेकंड में नजर आया तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा। भोसड़ी की स्ट्रगल है, पॉपुलेशन देखो हमारे देश की, गांड फट जाएगी अगर एक सेकंड में चले जाओ मार्केट प्लेस पे, जब कॉम्पिटिशन बैठोगे बाप बैठे तुम्हारे, फिर पढ़ती रहेंगी जब तो सेल्फ एस्टीम को कम करके अपने आप को घुसा के अपने आप को एक छोटा इंसान बना के कॉम्प्रोमाइज करोगे जिंदगी के साथ। अरे बेटी जो किसके हाथ में है जिंदगी बदलना, तेरे तो बदलना है यार उसको, बस मेहनत करनी है, मेहनत से फट रही है। ये वीडियो देख के तुम्हें सारे सोल्यूशन चाहिए, मैं वीडियो में भी सही बात बता रहा हूं, काम करना पड़ेगा दोस्त, लग जाओ यार बकचोदी ना करो। ये कितना काम किया आज, सिंपल सा क्वेश्चन, आज कितना काम किया, मैं कह रहा हूं अपने स्किल्स पे भी इतना काम किया, पढ़ाई अपनी जगह है दोस्त, स्किल्स भी अपने वर्क करो, अगर कोई हॉबी है उसमें भी वर्क करो, एक घंटा दो साला, लेकिन होता नहीं ना अंदर से, यूट्यूब पे बैठ जाए ना यार, फेसबुक तो बैले होले हमारा, मीम्स शेयर कर लेना, मीम्स तो बड़ा हम वो हैं यार, आओ वो मूवी देख लें बैठ के यार, शाम को थोड़ा घूम आए, ये मुछोदी से पहले हटोगे तब कुछ कर पाओगे ना अपनी जिंदगी में। फिर कहते हो यार अचीवर कैसे बने, यार फोकस नहीं लगता काम में, भोसड़ी के अगर 4 महीने से गाड़ मरवा रहे थे, फिर एक हफ्ते में एकदम से काम में मार मन थोड़ी घंटा लगेगा क्या, काम कर साले, बीसी मत कर, शुरू कर अभी से और करता रहे डेली डेली कर, कभी कभी एक दिन ले ले ऑफ, एक दिन गलती से जिसमें तू काम ये नहीं करता ही नहीं है, 8 घंटे के बजाय 5 घंटे करता है, ये होता है ब्रेक, ये नहीं होता एक हफ्ता ब्रेक ले लिया, लग जा भाई टाइम वेस्ट मत कर, ये जिंदगी तुम्हें बार बार मौके नहीं देगी, और ये जिंदगी दे भी दे छीन लेंगे लोग दूसरे, तो इतने ज्यादा है ना छीन लेंगे तुम्हारे हाथों से मौका, समझे, करो।